एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 खत्म कर देंगे। अच्छा, 22 से लेकर 25 तक क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। बिल्कुल ये प्रूफ दैट होगा। किस तरह कह रहे हैं कि sec थीटा प्लस वन sec थीटा माइनस वन को कर दो इनटू tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ दैट में यहाँ पे इक्वल टू होता था, बस में ये फर्क होता था इक्वल टू की वजह से, हम चाहे तो इसको इसमें कर देते थे या तो इसको इसमें, लेकिन इसमें बोला हुआ फर्स्ट एक्सप्रेशन को इसी को यूज करते हुए ये बनाना है। अच्छा, शुरू करते हैं। बिल्कुल प्रूफ दैट जैसे होगा, हमें किसको लेना है ये, तो लिख देता हूँ sec थीटा प्लस वन, इसे चेंज करना है हमें sec थीटा माइनस वन। अच्छा, हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा दूँ, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर वन। अच्छा, हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा। हमें फ़ौरन याद आया पिछला सवाल कि हमें एक आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा से, tan स्क्वायर थीटा कैसे बनाते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हम निकाल लेंगे इससे, यहाँ प्लस है ना, वहाँ जाके माइनस वन हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसके बराबर है tan स्क्वायर थीटा के, ऊपर वाला सवाल हमारा प्रूव हो गया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस वन हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और पेपर में ये करके दिखाना जरूरी है। फाइनली एक्सरसाइज 10.1 का आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस cosec ओवर cos थीटा इनटू माइनस tan थीटा, कह रहे हैं इसको इसमें बनाओ। तो लिख देता हूँ मैं cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस cosec थीटा ओवर cos थीटा। अच्छा, अभी तो हो रहा है माइनस, तो माइनस करवा देता हूँ मैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, कॉस इससे मल्टीप्लाई साइन इससे, कॉस कॉस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इससे हो जाएगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा करना है, तो कोसेक को ख़त्म करना होगा, कोसेक किसका इन्वर्स है, सबको साइन कॉस में करेंगे ना तभी टेन बनेगा, तो कोसेक किसका इन्वर्स है, साइन का है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन ओवर साइन थीटा, और नीचे रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो ऊपर वाली चीज़ अभी हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन से क्या दिख रहा है, एक आइडेंटिटी हमें दिख रही है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखा, प्लस वन को यहाँ ले आया माइनस वन, और इसको वहाँ ले गया तो क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन से स्क्वायर कर दिया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और माइनस साइन वो आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इसमें करो, तो लिख देता हूँ मैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, किस में करना है, इसमें करना है, तो क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा है जिसमें प्रूफ करना है, तो हर चीज़ को कॉस थीटा साइन थीटा में कर देंगे, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा का, तो वन ओवर साइन थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर होते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो कॉट उल्टा हो जाएगा, दोनों नीचे साइन थीटा है, तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 में वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा को करना है साइन स्क्वायर थीटा के अंदर, देख देता हूँ वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये हमें क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, क्या यूज़ करें हमने, ये यूज़ करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन।